सब जानते हैं हम लोग आरक्षण का वहाँ पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और वहाँ पर इस तरीके की कुछ कंडीशंस क्रिएट हुई थी, मगर इन सब से हटकर एक टीम कुछ वर्क कर रही थी। ये हाल था गुजरात का। मैं आप लोगों को इसलिए सारी चीजें दिखा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लाइव इवेंट्स में इस चीज को थोड़ा दूर रखा जाता है, सिर्फ परफॉर्मेंसेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इस तरीके के वर्क पे नहीं, आप इस तरीके के सम्मान पे नहीं। तो हमारी इवेंट कंपनी का सबसे पहला मोटिव है किसी के लिए सम्मान, चाहे वो एक डांसर हो, चाहे एक सिंगर हो, चाहे एक कैमरा पर्सन हो, चाहे फोटोग्राफर हो। ये वो टाइटल है जो क्वाकी टीम में रखा है, जुनून, यस आई कैन डांस, और ये किस इंसान पर है वो आपके सामने है। पहुंचाऊं, लेकिन मुझे ऊपर वाले पे बहुत विश्वास था, अपने आप पे विश्वास था, और एक कहावत है कि जिस इंसान को कुछ भी करना है तो रास्ते अपने आप बन जाता है। कहना चाहता हूं कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभी एक मैसेज आप लोगों के सामने, मैं हूं कमलेश पटेल फ्रॉम डांस इन डांस। मुझे बहुत ही खुशी है कि तैयब के जरिए ये सिंगिंग का एक सबसे बड़ा महा मुकाबला होने जा रहा है और सभी टैलेंटेड सिंगर्स आज ये कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे और अपने आप में एक बेहतरीन सिंगर बनके, बेहतरीन कलाकार बनके एक बाहर आएंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और कांग्रेस पे कहना चाहता हूँ मोहित सर को कि जिन्होंने अपने कैरियर के पूरी सक्सेस किए, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तैयब खान को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये शो को हिट करने के लिए इतनी बढ़िया तरीके से मेहनत की और उनकी पूरी टीम वर्क को, सभी को मेरी ओर से विश यू ऑल द बेस्ट, कीप डांसिंग एंड कीप सिंगिंग। और मैं आ रहा हूँ बहुत ही जल्द वंदे मातरम सीजन 2 के जरिए मेरी लाइफ की रियल डॉक्यूमेंट्री लेके कि जो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स टू कमलेश जी। अभी